हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सिंपल रेसिपी, जिसका नाम है अलसी का माउथ फ्रेशनर। अगर हम प्रतिदिन एक चम्मच अलसी को यूज़ करते हैं तो इससे हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है। कच्चे अलसी का यूज़ करना इतना ही स्वादिष्ट नहीं होता कच्चा अलसी को यूज़ करना, इसलिए हमने इसका बनाया है माउथ फ्रेशनर, जिसे आप खाना खाने के बाद दोपहर में या रात में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि किस तरह से हमें अलसी का माउथ फ्रेशनर बनाना है। हमने लिया है 100 ग्राम अलसी के दाने। यहाँ पर हमने लिया है पानी, नमक, हल्दी और नींबू का रस। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमें अलसी का माउथ फ्रेशनर तैयार करना है। सबसे पहले हम इसमें पानी डाल के इसको कोट करेंगे। जी हाँ, हमें इसे अच्छी तरह से कोट करना है, जब तक ये हल्का हल्का गीला ना हो जाए। देखिए दोस्तों, हर एक अलसी के दाने के ऊपर पानी की कोट चढ़ चुकी। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नींबू का रस और अब हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच हल्दी और इसी के साथ डालेंगे आधा चम्मच नमक, क्योंकि हमको नमक हल्की ही मात्रा में रखना है, बहुत ज़्यादा नमक का यूज ना करें। और इसे अच्छी तरह से सबको मिलाकर कोट कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए यूं ही छोड़। रख दीजिए। जैसे ही पैन गर्म हो जाए उसके बाद उसमें जो हमने मिक्स किया हुआ अलसी रखा है उसको डाल दीजिए। ये हमने अलसी के दाने अपने फ्राई पैन में डाल दिए हैं और इसको लगातार चलाते हुए भूनते रहिए। ये देखिए, आप सुन सकते हैं जिस तरह अलसी ने चटकना स्टार्ट कर दिया है। इसी प्रकार धीरे धीरे मीडियम टू हाई फ्लेम पर अलसी को लगातार चलाते रहिए और इसे एकदम क्रिस्पी होने तक भूनिए। ये देखिए दोस्तों, हमारा अलसी का एक एक दाना तिल की तरह चटकने लगा है और एकदम क्रिस्पी हो रहा है। इसको लगातार चलाते रहिए जब तक ये क्रिस्पी हो जाए, उसके बाद ठंडा होने दीजिए और इसे एयर टाइट डिब्बे में भरकर आप महीनों तक रख सकते हैं और खाने के बाद माउथ फ्रेशनर की तरह इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज़ बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे मेरी आगे की वीडियो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।